मुख्यमंत्री की अपील की गई है, मुख्यमंत्री ने भी अपन नुकसान हो रहा है, उन्होंने डाटा दसा सू महीने चेते नुकसान हो गया। उस पिछले जथेबंद ने रह की है, रह करने तो बाद इन्होंने फैसला 23 तरीक न शाम को रेलां छड्डन का फैसला कर लिया। सद्दा जिहड़ा आया सी उस ते उह सद्दा पहलां प्रवान किया और अज उन्होंने एक बड़ा वड्डा फैसला लिता कि एक बड़ा वड्डा मैं समझूंगा दिल उन्होंने आपका वड्डा दिखाने की एक बड़ा वड्डा एग्जाम्पल दिता और जिहड़ियां मुसाफर गड्डियां सीगियां उह चलाउण दी जिहड़ी हैगी आ उन्हां वल्लों हरी झंडी मिल गई। देखो पंजाब सरकार दी किसान जथेबंदियां दी और किसान पंजाबियां दी अपनी सारयां दी कोशिश इही है कि जिहड़ा माहौल है इस नूं उसे पासे लैके चल सकीए ताकि जिहड़ा केंद्र भी हैगा वह भी इस वल ध्यान इसे तरीके नाल देवे और ये जिहड़े 15 दिन दे विच कोई सुखावी माहौल दी इक बणत रख के इधर की गल नहीं मनी। असी पंजाब के हालात देख के पंजाब के किसानों पंजाब के व्यापारियों पंजाब के मजदूरों असी इन्हों की गल मनी है तो केंद्र सरकार तो असी 15 दिन का अल्टीमेटम दिता है। जे केंद्र की असी गल मनी होंगी फिर वो जो व्यापारक साढ़े बंदे असं घरें ना लै जाते, जे ट्यूबलाइजर से बैठे घरें ना लै जाते। साडा अंदोलन बराबर से चलता है, उन्होंने असी कहता भी थोड़िया असी चढ़ाऊ गड्डिया नहीं रोकेंगे आपदिया चला लो कैप्टन सानू से कह तू कह दे सेंटर तो 15 दिन अल्टीमेटम है असं फिर देखा दोबारे की बना रख ले पर सानू रखूगी हरियाणा सरकार वो पंजाब च ही रहो सरदर्दी तो कैप्टन ही रहनी है मेरे हिसाब से जितों मैनू लगता है वो आपदे सानू आ बन देवे असं जिते भी रोकणगे कोई भन्न तोड़ नहीं करनी ना साडा असूल है पहला करदा असीं शांतमय संघर्ष लड़ांगे उत्थे बह जाएंगे राशन साडे कोल फल होगा। नहीं मनी असीं ऐं क्यों कहिंदे असीं पंजाब दे लोकां दी गल मन्नी है तां असीं क्यों मन्नी है ना असीं राजे दी मन्नी है ना असीं सेंटर दी मन्नी है। जे असीं उहनां दी गल मननी हुंदी उह सानू दो गड्डियां चलाउण नूं कहिंदे सी उद्दी ना मन के आ जांदे बिल्कुल नहीं सेंटर दी गल मन्नी इह मेरे मूँह तों ना कहाओ। देखो जी असीं 23 तरीक शाम नूं जिहड़ियां ने उह ट्रेनां दोनों छड्ड दित्तियां ने असीं तां जिहड़ियां माल गड्डियां सी उह पहलां ही छड्डियां होईयां सी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕੂੜਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਡਿੱਚਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਛੱਡੋ। ਅੱਜ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਪ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ MSP ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾ ਕੇ ਦਮ ਲਾਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।